एक्सरसाइज 68 का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर एक्यूट राइट और ऑब्ट्यूज। यहाँ पे जो एंगल्स दिया हुआ है तो उसमें से कौन एक्यूट है, कौन राइट है और कौन ऑब्ट्यूज है, इस तरह से क्लासिफाई करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बच्चों ने पहले ही लिख दिया है ये राइट एंगल है, तो ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बताया गया है, तो 50 डिग्री जो 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। यहाँ पे एक्यूट एंगल लिखा हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पे लिख कर दे दूंगा। यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो 90 डिग्री से जो ज़्यादा होता है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, तो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे 130 डिग्री मतलब 90 डिग्री से अधिक चला गया, 90 डिग्री से अधिक जाने पर उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। और यहाँ पे राइट एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। और 30 डिग्री का एंगल 90 डिग्री से जो कम होता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो 80 डिग्री का एंगल 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम होने पर उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेन से, तो यहाँ पे मैंने सभी एंगल के सामने लिख दिया है, राइट एंगल ये है, राइट एंगल एक्यूट एंगल ये है, ऑब्ट्यूज एंगल और ये ऑब्ट्यूज एंगल ये भी है और राइट एंगल ये है, और एफ नंबर में एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ये है और एक्यूट एंगल ये भी है जी नंबर का। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 68 का क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग के पास, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विथ योर प्रोटेक्टर एंड क्लासीफाई देम एज एक्यूट ऑब्ट्यूज और राइट एंगल्स। यहाँ पे जो एंगल्स बने हुए हैं उसको मापने के लिए कह रहा है और इसको बतलाना है कि वो एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या फिर राइट एंगल है, तो इसको माप के बतलाना है। तो चलिए इसको मापते हैं हम लोग। यहाँ पे वैसे पहले से ही बच्चों ने बनाया हुआ है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये भी ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल है, लेकिन फिर हम माप के देख लेते हैं कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर लेते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से रखना है, लाइनिंग टू लाइनिंग मिलाना है, और यहाँ पे देखना है कितना डिग्री का एंगल है। ये आ रहा है कितना है, ये 100 डिग्री का एंगल है ये, तो 100 का मतलब है कि 90 डिग्री से ज़्यादा, इसीलिए ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसको मापना है, तो इसको यहाँ से इस तरह से लाइनिंग मिलाना होगा, यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 130 और 40 के बीच में, मतलब 135, ये आ रहा है 135, ये भी ऑब्ट्यूज है क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है। और इसको मापने के लिए किस तरह से मापेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसको इस तरह से मिलाना है लाइन टू लाइन, यहाँ पे लाइन टू लाइन मिलाना है, और यहाँ पे आ रहा है ये 40 और 50 के बीच में आ रहा है, मतलब 45 डिग्री है। 45 डिग्री का मतलब है कि 90 डिग्री से कम, इसका मतलब है एक्यूट एंगल है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए नंबर में ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ भी ऑब्ट्यूज एंगल बी नंबर में, और सी नंबर में एक्यूट एंगल, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ई और एफ पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे इसको मापना है, तो चलिए प्रोटेक्टर ले लेते हैं हम लोग और इससे मापते हैं। ये है, इसको लाइन टू लाइन बैठा देना है, तो यहाँ पे लाइन टू लाइन, तो ये 90 डिग्री आ रहा है, ये एक राइट एंगल है, तो यहाँ पे राइट एंगल लिख देना है। और उसके बाद ऐसे ही पता चल रहा है ये सिमटा हुआ है, तो ये एक्यूट एंगल होगा। यहाँ पे फिर भी माप लेते हैं कितना डिग्री का ये एंगल हो रहा है, ये हो रहा है 35 डिग्री का, ये 35 डिग्री का है, तो 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट हो गया, और ये भी सिमटा हुआ है तो ये भी एक्यूट ही है। तो यहाँ पे हम लोग माप लेते हैं फिर भी कितने डिग्री का आ रहा है, ये 20 डिग्री का एंगल आ रहा है, ये 20 डिग्री का है, तो इसका मतलब है इसका राइट एंगल हो गया, और ये राइट एंगल एक्यूट और एक्यूट, एक राइट एंगल एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल, चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है राइट एंगल एक्यूट एंगल और एक्यूट एंगल, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 6 नंबर।